जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए मथुरा के कोसीकला के गांव हुलवाना का जवान रामवीर शहीद हो गया। शहीद की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद के गांव में भी मातम पसर गया है। क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में शहीद के गांव की ओर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कोसीकला से 6 किलोमीटर दूर स्थित गांव हुलवाना का युवक रामवीर 2013 में 8 जाट बटालियन में भर्ती हुआ था, जहां जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में रामवीर भी शामिल था। मुठभेड़ के दौरान जवान रामवीर आतंकियों से लोहा लेते हुए घायल हो गए और इलाज के दौरान वे शहीद हो गए। रामवीर जी के लिए बहुत बड़ा दर्द है और मुझे क्या, हमारे पूरे एरिया को दर्द है, सारा एरिया शोक मना रहा है। और पाकिस्तान के लिए मैं ये कहूँगा कि जब तक पाकिस्तान को दंड नहीं दिया जाएगा पूरी तरह से, हमारी सरकार उसे दंड नहीं देगी, जब तक कोई अमन चैन नहीं होगा, हम ऐसे ही अपने भाई रामवीर जैसे कितने खोते रहेंगे। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं, मतलब? हम सरकार से ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को मिटा देना ही चाहिए जब तक शांति नहीं मिलेगी। हुलवाना में रामवीर जो इस गांव के निवासी थे, वो जम्मू एंड कश्मीर में शोपियां और पुलवामा के बीच में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों की गोली लगने से शहीद हुए हैं। मेरी कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहन से बात हुई है, उन्होंने बोला है उनका पार्थिव शरीर कल आगरा एयरपोर्ट पर आएगा, जिसे लेने यहाँ से लोग जाएंगे और उसके बाद जो भी अनुकोष इन्हें दिया जा सकता है सरकार तो देगी। अब हम तहसील स्तर से जो जनता की मांग है उसको भी आगे ऊपर तक पहुंचाएंगे। सर, जनता ने क्या मांग करी है? जनता ने भूमि की मांग की है, जो चिन्हांकित की है भूमि की। बता दें कि शहीद जवान की शादी 7 साल पहले हुई थी। शहीद के 2 बेटे भी हैं, जिनमें से एक की उम्र 5 माह और दूसरे की 4 साल के करीब है, जिन्हें वे अपने पीछे छोड़कर चले गए। दोनों मासूमों को परिवार पर टूटे दुखों के पहाड़ के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। हालांकि घर पर पहुंचने वाले हर एक व्यक्ति की आंख दोनों नन्हे शहीद के बेटों को देखकर छलक रही है। शहीद की पत्नी और माँ का रो रो कर बुरा हाल है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट।